guys, welcome back to my channel. It would mean a lot if you spare a second and subscribe to my channel. So, आज कोई भी मैं व्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ. आज मैं आपके साथ एक DIY वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं अपने सोफे का मेकओवर करने वाली हूँ. जैसा कि आपको पता है मैं अपने रूम का मेकओवर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ चीज़ें बन भी चुकी हैं. तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सोफे का मेकओवर कर लेती हूँ ताकि मेरा सोफा जो रूम्स की वाइब्स उनके अकॉर्डिंग हो, कलर भी उसका मैच करे. और मेरा सोफा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना ऑयली टाइप का जो होता है ना वो हो गया था, इसलिए वो बहुत ही गंदा दिखना स्टार्ट हो गया था. तो उसको मेरे को थ्रो करने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं इसका DIY कर देती हूँ या इसको रिनोवेट कर देती हूँ. इसको नया बनाने के लिए, इसका मेकओवर के लिए सिर्फ मैंने 10 रुपये खर्च किए. ठीक है, 10 रुपये मैंने इतना अच्छा सुंदर सा अपना सोफा तैयार कर लिया है. क्या अब तो इसके लिए मैंने वेस्ट मटेरियल जो होता है वही यूज़ किया. मैं जितनी भी DIYs शेयर करूँगी आपके साथ वो सारे ही वेस्ट मटेरियल के साथ ही मैंने बनाए हैं. तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है मम्मी की पुरानी साड़ी जो मम्मा ने थ्रो करनी थी, तो मैंने वो वाली साड़ी मम्मा से लेकर उसके साथ में कुछ कुछ चीज़ें करके इसका मेकओवर किया है. तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में मेंशन की है और सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया है कि मैं दिखा पाऊँ कि मैंने कैसे किया है, ताकि आप लोगों को भी अगर करना हो तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए. और तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन. और अगर वीडियो पसंद आए, लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पुरानी साड़ी जिसको मैंने कट कर लिया था, इसका जो पल्लू था वो मैंने निकाल दिया था क्योंकि पल्लू डिज़ाइन वाला था तो वो यूज़ नहीं होता और बहुत ही अजीब सा लगता है बीच में, इसलिए मैंने उसको पहले ही कट कर लिया था. और बैक साइड से लेके फ्रंट साइड तक मैंने पहले ही साड़ी नाप ली थी, उसके बाद में कट कर लिया था, मतलब साड़ी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. उसके बाद में इस टाइप का आपको कुछ वुड का या फिर पाइप होता प्लास्टिक का वो चाहिए होगा, उसके साथ में कील चाहिए होगी, निप वाली कील बोलते हैं इसको. ये मोची की दुकान पे या हार्डवेयर की शॉप पे बहुत ही ईजिली मिल जाती है, 10 रुपये की वो बहुत सारी दे देते हैं. मैं 10 रुपये के ही लेके आई थी. इसके बाद जो कवर करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उससे पहले मैंने सारे जितने पार्ट पे मैं कवर करना चाहती थी, जैसे मैंने जो सीट होती है बैठने वाली उसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया था, बैक साइड जो होती है जहाँ पे हम बैक लगाते हैं वो सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर दिया था. ऐसे डिवाइड करके मैंने पार्ट्स में कपड़े को कट कर लिया था. उसके बाद जो मैंने आपको वुड बताया था कि वुड की ज़रूरत होगी, उसको आपने साड़ी के अंदर 2 बार रैप करना है. जिस भी साइड को आप अंदर टकिंग करने वाले हो उस साइड में उसको रखकर 2 से 3 बार रैप कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से अंदर डीपली मतलब दबाते हुए कपड़े को और उसको अंदर पुश कर दीजिए. देन उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करते हुए जैसा वीडियो में देख रहे हैं वैसे आपने कील लगाते जाना है साथ साथ, और या फिर आप स्टेपलर भी ले सकते हो, जो मोटे वाला कपड़े वाला स्टेपलर आता है वो भी ले सकते हो. मैंने वो नहीं लिया था क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही सोफ़ा को कवर करना था, तो इतना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि बजट के अंदर सारी चीज़ें करनी थी मुझे, बहुत ही ऐसे लो बजट के साथ में इसको कवर अप करना था, इसको रिनोवेट करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया. और मुझे इन कील के साथ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कील बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अंदर टकिंग हो जा रही थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कील मुड़ जा रही है टूट जा रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. बहुत ही जल्दी अंदर अंदर चले जा रही थी, मतलब आप जो हैमर था उससे अंदर पुश करोगे तो बहुत ही ईजिली चले जा रही थी. और सेटिंग करते करते एक साथ लगाना स्टार्ट नहीं किया था, पहले मैंने कॉर्नर कवर किया है कील से, देन उसके बाद मैंने सेंटर में कील लगाया था, उसके बाद मैंने जो स्पेस फिल करना था वहाँ पर कील लगाया था ताकि वो झोल टाइप का ना आए, मतलब कपड़ा एक जगह इकट्ठा ना हो जाए या एक साइड ना जाए. इसके बाद मैं बैक साइड में कवर करने लगी थी. बैक साइड में भी आपने क्या करना है, जो साइड आप अंदर घुसाने वाले हो टकिंग करने वाले हो उस साइड में आपने वही वुड वाला जो वुड ले लो या पाइप ले लो उसको 2 से 3 बार रोल करना है, उसके बाद में अंदर की तरफ दबाते हुए जाना है. जैसे हम अपनी शर्ट या टी शर्ट को टकिंग करते हैं अपनी जीन्स में, उस तरीके से जितना ज़्यादा अच्छे से टकिंग करोगे उतनी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी. तो यहाँ पे मैं सेट करते हुए सारा मैंने टकिंग कर दिया, देन मैं राइट हैंड साइड कवर करने लग गई थी और एज इट इज़ सेम मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी कवर किया था. ट्राई कीजिएगा जब भी आप ये बना रहे हो या इसको रिनोवेट कर रहे हो सोफे को, जो चीज़ें आप हाइड कर सकते हो फ्रंट से वो चीज़ें आप हाइड कर दीजिए, ताकि फ्रंट से सोफ़ा देखने में सुंदर लगे और प्रेजेंटेबल लगे कि हाँ हमने घर पे नहीं किया है, हमने अच्छे से मतलब हमारा सोफ़ा नया लगे.
इस करके। तो यहाँ पे भी मैंने पहले साइड में कील लगाई है, देन सेंटर में लगाई है, एंड देन मैं जहाँ पे मुझे नीड लग रहा था कि लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं कील टकिंग करते जाऊँगी और कपड़े को स्ट्रेच करते हुए बैक साइड पे लेकर जा रही हूँ ताकि आगे की तरफ कोई झोल ना दिखे या कपड़ा इकट्ठा ना हो, लूज ना हो कपड़ा, और फिनिशिंग अच्छे से आए सोफे में। मैं सारी की सारी जितना भी झोल लग रहा था मुझे या फिर कपड़ा एक जगह जहाँ मतलब होता ना कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो मैं वो जस्ट खींचते हुए पीछे की तरफ लेके गई थी ताकि मैं पीछे उसको कवर कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसका जो सोफे का हैंड होता है वो मैं कवर करने लगी थी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, सारे सोफे का डिज़ाइन अलग होता है। मेरे वाले सोफ़ा जो मैं कवर कर रही हूँ उसका डिज़ाइन इस टाइप का था, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े को कवर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं नीचे वाला कपड़ा कवर कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा अच्छे से फिनिश नहीं आ रही थी, तो इसको कवर करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ। अगर आप कर रहे हो तो आप पहले इस सारे हैंड को मतलब इस टाइप का डिजाइन है आपका सोफे का, तो आप इस तरीके से पहले इसको कवर करो, देन उसके बाद में फ्रंट वाला कवर करना है। यहाँ पे मैं कुछ तीन चार मैंने प्लेट्स बनाई थी और स्टेपलर की हेल्प से, जो बड़ा वाला स्टेपलर होता है उसकी हेल्प से मैंने उसको प्रेस कर दिया था ताकि वो प्लेट्स खराब ना हो, क्योंकि कील के साथ में वो प्लेट्स सेट नहीं हो रही थी। तो मैंने पहले स्टेपलर लगाया, उसके बाद में मैंने वहाँ पे कील टक इन किया। यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा ये करना क्योंकि फिनिशिंग नहीं आ रही थी सामने से देखने में, बट एट लास्ट जब मैंने कर दिया धीरे धीरे करके दिमाग लगा के किया तो वो सेट हो गया और बहुत अच्छे से सेट होकर दिखने लग गया। देन यहाँ पर जितना भी मैं सेट कर सकती थी ऊपर से, जब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्लेट्स डाली है, तीन चार प्लेट्स आई हैं ताकि वो कपड़ा बहुत एक जगह इकट्ठा ना हो, तो जहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेट मतलब कपड़ा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे मैंने प्लेट्स डालना स्टार्ट कर दिया। और ये है फाइनल लुक, ये बैक साइड है, पल्लू वाला एरिया है, तो ये पल्लू वाला एरिया मैंने बैक साइड रखा क्योंकि फ्रंट भी अच्छा नहीं लग रहा था और जो साड़ी थी वो पूरी कवर हो चुकी थी, एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा था, इसलिए मेरे को यही लगाना पड़ा। और यहाँ पे कुछ ये दाग भी लगा हुआ था, पहले का दाग लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसको बैक साइड रखा क्योंकि बैक साइड इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो ये है फाइनल लुक सोफे का। सोफ़ा फाइनली इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये वो वाला ही सोफ़ा है जो पुराना था। यहाँ पे कील्स के साथ भी मैंने कुछ डिज़ाइन करने का ट्राई किया था, मतलब पास पास कील लगाई हैं, ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से, मतलब सोफ़ा बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने घर में कवर किया है, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अभी इसको लेकर आई हूँ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। बिना खर्चे के ये मैंने कवर कर दिया, मतलब वेस्ट मटेरियल से कपड़ा जो हम फेंकने वाले थे वो यूज़ किया, 10 रुपये की सिर्फ कील मैं बाहर से लेकर आई थी जो इसमें यूज़ हुई है, 10 रुपये में इतना अच्छा आउटपुट निकल के आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस ये है कि आप जब भी इसको करें तो जितना ज़्यादा कपड़ा आप अंदर टकिंग कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा वो स्टे करेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।